वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज बात करते हैं दोस्तों रॉयल इनफील्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज नए रॉयल इनफील्ड के बुलेट में क्लासिक में अपडेट आई है दोस्तों, जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपडेट है डुअल चैनल स्पॉकेट, आपको ABS मिल रहा है दोस्तों। आपको ABS अब डुअल चैनल मिलेगा, आगे भी और पीछे भी मिलेगा दोस्तों, जिससे आपको ब्रेकिंग में कहीं भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे इस वीडियो में, आप पहले सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, फिर उसके बाद एक लाइक कर दे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें आपको चैनल में आपको डिस्क ब्रेक में आपको ABS का साइन मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये डुअल चैनल आपको मिलेगा, पीछे की तरफ भी आपको प्री मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे, आप देखिए दोस्तों कि इसमें भी आपको पीछे की तरफ भी, ये आपको पीछे का डिस है, इसमें भी आपको मिल रहा है दोस्तों, जो आपको ब्रेकिंग की तरफ से बहुत ही अच्छी होने वाली है। ब्रेकिंग होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी काम करेगी दोस्तों। और जैसा कि पता है दोस्तों कि आपको बुलेट अभी बहुत ही अच्छी अपडेट करने जा रही है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक में से है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। तो हेडलाइट इसकी नॉर्मल हेडलाइट, हैलोजन हेडलाइट जो आपको मिलती है दोस्तों वो है। और फिर उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर वही ओल्ड वाली इंडिकेटर ही इसमें लगी हुई है। दोनों साइड में वही आपको जो इंडिकेटर मिलती थी वही इंडिकेटर मिलेगी। और फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी आइज लाइट की, तो आइज लाइट इसे जो रॉयल इनफील्ड ने कहती है आपको, आपको इसे लायन आइज कहती है दोस्तों। तो दोस्तों आप मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो मुझे खासकर दोस्तों मीटर कंसोल थोड़ा सी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बहुत ओल्ड ज़माने की मीटर कंसोल है। इसमें आपको आपको ABS बैटरी और फिर ऑयल का आपको थोड़ा सा फिकर्स देगा। और दोस्तों ये कलर जो है रेड कलर में आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो अलग अलग वेरिएंट में आती है। स्टिकरिंग में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों ये गार्ड जो है दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये गार्ड क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये कंफर्ट के लिए लगाई जाती है, आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब सीट की बात करते हैं, तो सीट बहुत ही कंफर्ट होती है, क्योंकि इसमें पहली ऐसी सीट है और गाड़ी है जिसके सीट के नीचे आपको जो है दोस्तों स्प्रिंग दिया रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टेल लाइट की, तो टेल लाइट पहले ही हैलोजन के जैसी है, इसमें ना ही LED लाइट है। तो दोस्तों ये अच्छी बाइक होने वाली है। और फिर उसके बाद ये LED टेल लाइट नहीं है दोस्तों, इसमें आपको टेल लाइट हैलोजन ही टेल लाइट मिलती है और बगल में आपको इंडिकेटर मिलती है। तो दोस्तों बुलेट ये जो कलर है दोस्तों, ये थोड़ी सी साइन करती है देखने में ही, अलग से अपना अलग ही इसका बुलेट का, आप जानते ही हैं कि बुलेट की अलग ही पहचान होती है। और अभी ही इसे ने टॉप रैंक पे हासिल किया गया है, सबसे ज़्यादा बिकने में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक ये है। और दोस्तों इसमें तो इंजन की बात करें क्या दोस्तों, इंजन तो 350 cc की ये बाइक है दोस्तों। तो और इसमें आपको, और सबसे खास बात दोस्तों इसमें आपको जो अब इसका आगे का टायर आपको MRF का भी टायर मिलता है और पीछे का भी MRF का ही मिलता है। तो दोस्तों इसकी सॉकर जो है दोस्तों, सॉकर बहुत ही कंफर्टेबल सॉकर होने वाली है, क्योंकि अच्छी है और दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। अब आपको अलॉय व्हील्स में दोस्तों, स्पोकेन वाला ही अलॉय व्हील है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को, धन्यवाद।